हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनके भी पास फाइनेंशियल लिटरेसी का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इसकी यूनिट नंबर 3 है, जिसका नाम है आपका इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट की एक वन शॉट रिविजन वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको जो ये पूरी यूनिट है एक वीडियो के अंदर कवर करवाने वाला हूँ। जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सारी चीजें आपको डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस वन शॉट रिवीजन को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करने ना भूले। इसके जो नोट्स हैं वो पेड नोट्स हैं, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कीजिए, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। 129 रुपीज में आपको चारों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन वन शॉट रिवीजन को। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज सच एज मनी और टाइम विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर इनकम और प्रॉफिट। जब हम अपनी मनी या टाइम को किसी जगह पर लगा दें, एलोकेट कर दें अपने रिसोर्सेज को किस एक्सपेक्टेशन से कि इनसे हमें फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलेगा, इनकम मिलेगी या प्रॉफिट मिलेगा, तो उसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट करना। इट इन्वॉल्व कमिटिंग कैपिटल टू वेरियस एसेट और वेंचर इन होप ऑफ अचीविंग अ पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम। इसके अंदर क्या करा जाता है, जो हमारी कैपिटल होती है उसे हम किसी एसेट या किसी वेंचर में लगा देते हैं, किस होप के साथ कि हम ये हमें पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा। इन्वेस्टमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग स्टॉक, बॉन्ड, रियल इस्टेट, म्यूचुअल फंड एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से की जा सकती है, स्टॉक में, बॉन्ड में, रियल इस्टेट में, म्यूचुअल फंड में या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। ठीक है, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एक होती है रियल इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टिपिकली इन्वॉल्व पुटिंग मनी इनटू वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड अदर सिक्योरिटी। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब हम अपनी मनी को किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि स्टॉक हो गए, बॉन्ड हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, ETF हो गए या कोई और सिक्योरिटी, उनमें लगा दें जब हमारा अपना पैसा, तो वो कहलाती है आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। दीज इन्वेस्टमेंट आर इंटेंजिबल दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप और क्लेम ऑन अंडरलाइंग एसेट और अ कंपनी। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये इंटेंजिबल एसेट्स पर होती है, जो कि एक ओनरशिप या क्लेम शो करती है किसी एसेट के ऊपर आपका। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आर ऑफन ट्रेडेड इन फाइनेंशियल मार्केट एंड देयर वैल्यू कैन फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक फैक्टर एंड कंपनी परफॉर्मेंस। जो ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है ये फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक फैक्टर और कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। दूसरी आती है रियल इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो नोन एज टेंजिबल और फिजिकल इन्वेस्टमेंट, इन्वॉल्व एलोकेटिंग कैपिटल टू टेंजिबल एसेट सच एज रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड अदर फिजिकल एसेट। रियल इन्वेस्टमेंट को हम टेंजिबल या फिर फिजिकल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर हम अपनी कैपिटल को किसी टेंजिबल एसेट, जैसे कि रियल इस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में, मशीनरी में, इक्विपमेंट में या फिर किसी और फिजिकल एसेट में लगा दे, तो वो कहलाती है आपकी रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट ऑफन इन्वॉल्व द एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी और एसेट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरेटिंग इनकम और एप्रिसिएशन ओवर टाइम। रियल इन्वेस्टमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, डेवलप करते हैं या इम्प्रूव करते हैं किसी टेंजिबल प्रॉपर्टी या फिर एसेट को। और किस लिए इम्प्रूवमेंट करते हैं, ताकि ये हमें और ज़्यादा इनकम जनरेट करके दे ओवर द टाइम, तो वो चीज़ कहलाती है आपकी रियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेस्टमेंट करने का, सबसे पहले वेल्थ प्रिजर्वेशन। तो वन ऑफ द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ कैपिटल अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड अदर इकोनॉमिक रिस्क। जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो आपकी वेल्थ को, जो आपकी कैपिटल हैगी, उसे इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक रिस्क से बचाना, इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है। बाय इन्वेस्टिंग इन एसेट दैट हैव पोटेंशियल टू मेंटेन और इंक्रीज द वैल्यू ओवर टाइम, इन्वेस्टर सी का सेफगार्ड देयर वेल्थ एंड परचेजिंग पावर। क्योंकि जो ये इन्वेस्टिंग होती है, इससे क्या होता है, जो आपकी कैपिटल होती है वो जब किसी चीज में इन्वेस्ट हो जाती है तो उसमें पोटेंशियल आ जाती है कि उसकी वैल्यू ओवर द टाइम इंक्रीज होगी। तो इस वजह से इन्वेस्टर को एक सेफगार्ड मिल जाता है उनकी वेल्थ का और परचेजिंग पावर का। नेक्स्ट आता है कैपिटल ग्रोथ। तो इन्वेस्टर ऑफन सीक टू ग्रो देयर कैपिटल बाय इन्वेस्टिंग इन एसेट दैट हैव द पोटेंशियल टू एप्रिशिएट इन वैल्यू ओवर द लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टर इन्वेस्ट किस लिए करते हैं, ताकि उनकी जो कैपिटल है वो ओवर द टाइम लॉन्ग टर्म में ग्रो हो जाए। कैपिटल ग्रोथ कैन बी अचीव्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, रियल इस्टेट, म्यूचुअल फंड एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट ऑफर द अपॉर्चुनिटी फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। और ये कैपिटल को ग्रो किस किस चीज की मदद से करा जा सकता है, स्टॉक में इन्वेस्ट करके, रियल इस्टेट में, म्यूचुअल फंड में या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके ग्रो करा जाता है।
फिर आता है इनकम जनरेशन। तो अनदर कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू जनरेट अ रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम टू मीट करंट और फ्यूचर फाइनेंशियल नीड। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए, इसलिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि अब उस इन्वेस्टमेंट से आपको अभी रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, जिससे आप आज की और फ्यूचर में आने वाली जरूरतें पूरी करते रहेंगे। इन्वेस्टमेंट सच एज डिविडेंड पेइंग स्टॉक, बॉन्ड, रेंटल प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी कैन प्रोवाइड इन्वेस्टर विद सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। अब अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आप किन किन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं? ऐसे स्टॉक जो डिविडेंड पे करते हो, ऐसे बॉन्ड जो डिविडेंड पे करते हो, रेंटल प्रॉपर्टीज में जिससे आपको रेंट मिले, या फिर आप लोन प्रोवाइड करवा सकते हो जिससे आपको इंटरेस्ट मिले, या फिर इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज आप परचेज कर सकते हो। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एम टू मैनेज रिस्क डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियो अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लास सेक्टर एंड ज्योग्राफिक रीजन। एक इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या देखती है, वो आपके रिस्क को मैनेज करती है, डाइवर्सिफाई कर देती है अलग अलग पोर्टफोलियो में, अलग अलग एसेट क्लासेस में, सेक्टर्स में और ज्योग्राफिक रीजन में। बाय स्प्रेडिंग रिस्क एंड अवॉइडिंग कंसंट्रेशन इन अ सिंगल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर सीक टू मिनिमाइज पोटेंशियल लॉस एंड अचीव मोर स्टेबल रिटर्न ओवर टाइम। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करके, किसी एक सिंगल उस चीज में इन्वेस्ट ना करके, अलग अलग जब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में इन्वेस्ट कर देते हो, तो उससे आपका क्या होता है, जो लॉस का रिस्क होता है वो मिनिमाइज हो जाता है और आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलता है ओवर द टाइम। फिर आता है फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट। तो इन्वेस्टर सेट स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल सच एज रिटायरमेंट प्लानिंग, एजुकेशन फंडिंग, वेल्थ एक्युमुलेशन और एसेट एक्विजिशन। इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है, उसके कुछ फाइनेंशियल गोल होते हैं जिसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करता है, या तो उसे रिटायरमेंट प्लानिंग कर रखी होती है, या उसे एजुकेशन के लिए फंडिंग करनी होती है, या वेल्थ को एक्युमुलेट करना होता है, या किसी एसेट को एक्वायर करना होता है जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू अलाइन इन्वेस्टमेंट डिसीजन विद दीज गोल एंड क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक प्लान टू अचीव देम विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। तो जो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो ऐसा होना चाहिए जो इन गोल के साथ अलाइन करें, और उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना है कि जो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर आपका अचीव किया जा सके। नेक्स्ट आता है टैक्स एफिशिएंसी। तो इन्वेस्टर में आल्सो एम टू ऑप्टिमाइज देयर रिटर्न बाय कंसीडरिंग टैक्स इंप्लिकेशन एंड इंप्लीमेंटिंग टैक्स एफिशिएंट स्ट्रेटेजी। इन्वेस्टर और क्या कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से कर सकते हैं जिससे उनके ऊपर कम से कम टैक्स की इंप्लीकेशन आए और उनकी टैक्स एफिशिएंट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो जाए। बाय मिनिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटी थ्रू एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर एंड व्हीकल, इन्वेस्टर कैन एनहांस देयर आफ्टर टैक्स रिटर्न। अब कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती हैं जिनमें आपको टैक्स में डिडक्शन होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करके अपनी जो टैक्स की लायबिलिटी है उसे कम कर सकते हैं और आपका आफ्टर टैक्स जो रिटर्न है उसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व द परचेज ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी एसेट सच एज स्टॉक, बॉन्ड, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, कमोडिटी विद द इन्वेस्टर डायरेक्टली ओइंग एंड मैनेजिंग द इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके अंदर आप डायरेक्टली इंडिविजुअल एक पर्सन होता है वो सिक्योरिटीज एसेट को खरीद लेता है, स्टॉक को, बॉन्ड को, रियल इस्टेट को और कमोडिटी को, और वो खुद ही उन्हें ऑन और मैनेज करता है, तो वो कहलाता है आपका डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग क्या होती है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व गेनिंग एक्सपोजर टू डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ एसेट और सिक्योरिटी थ्रू इन्वेस्टमेंट व्हीकल सच एज म्यूचुअल फंड, ETF, इंडेक्स फंड एंड मैनेज्ड पोर्टफोलियो। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है, आप किसी ऐसे व्हीकल, इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट कर देते हैं जो आपके बिहाफ पर आपकी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है, जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड हो गए, ETF हो गए, मैनेज्ड पोर्टफोलियो हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हूज वैल्यू इज डेराइव्ड फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, इंडेक्स और एंटिटी। फाइनेंशियल डेरिवेटिव को एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वैल्यू किससे ड्राइव होती है, किसी एसेट, इंडेक्स और एंटिटी की परफॉर्मेंस से ड्राइव होती है। डेरिवेटिव आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग हेजिंग अगेंस्ट रिस्क, स्पेकुलेटिंग ऑन प्राइस मूवमेंट एंड गेनिंग एक्सपोजर टू स्पेसिफिक मार्केट और एसेट। ये जो डेरिवेटिव होते हैं इनका यूज किस लिए करा जाता है, हेजिंग करने के लिए रिस्क के अगेंस्ट, प्राइस की मूवमेंट को स्पेकुलेट करने के लिए और किसी स्पेसिफिक मार्केट की एक्सपोजर पाने के लिए इनका यूज करा जाता है। डेरिवेटिव के कुछ टाइप्स हैं, पहला होता है हमारा कमोडिटी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव हूज वैल्यू इज लिंक टू प्राइस ऑफ कमोडिटी सच एज ऑयल, गोल्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ऐसे डेरिवेटिव जिनकी जो वैल्यू होती है वो किस चीज से लिंक होती है, किसी कमोडिटी के प्राइस से लिंक होती है, जैसे कि ऑयल, गोल्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एटसेट्रा, तो उन्हें कहा जाता है कमोडिटी डेरिवेटिव।
दूसरे आते हैं एलिमेंट्री डेरिवेटिव एंड कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव। तो एलिमेंट्री डेरिवेटिव आर दोज विच आर सिंपल एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल। ऐसे डेरिवेटिव जिन्हें हम सिंपली और इजिली समझ सकते हैं वो कहलाते हैं एलिमेंट्री। सच डेरिवेटिव आर फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसके अंदर क्या आ जाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होते हैं वो आपके एलिमेंट्री डेरिवेटिव होते हैं। वहीं कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव हैज अ कॉम्प्लेक्स प्रोविजन एंड फीचर विच मेक देम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टर। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव होते हैं वो इसका उल्टा होते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे फीचर होते हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टर इन्हें आसानी से नहीं समझ पाता है। इसके अंदर आप क्या आ जाते हैं, एक्सोटिक ऑप्शन, सिंथेटिक फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये सारे जो एक प्रोफेशनल या एक्सपर्टी समझ पाता है। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज विद स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्म एंड सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग। ऐसे डेरिवेटिव जो एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्म पर बने होते हैं, सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग होती है और एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे होते हैं वो कहलाते हैं आपके एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, तो कस्टमाइज्ड डेरिवेटिव ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज, ऑफन विद टेलर्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्म एंड लेस स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे डेरिवेटिव जो कि डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच में ट्रेड होते हैं, इनके अंदर कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता, कोई और पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी सी टर्म बना ली जाती है और ज्यादा स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये तो थे आपके कॉमन टाइप के डेरिवेटिव, लेकिन हमें बात करनी है फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव देखिए, पहला डेरिवेटिव है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो दीज आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट फ्यूचर डेट एंड एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें किसी एसेट को खरीदने या बेचने का एक फ्यूचर डेट पर और उसका प्राइस अभी डिसाइड कर लें तो वो कहलाता है आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज एंड आर यूज्ड फॉर हेजिंग और स्पेकुलेशन। जो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये भी एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं और ये हेजिंग और स्पेकुलेशन के लिए यूज करे जाते हैं। फिर आता है ऑप्शंस। तो ऑप्शन गिव द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय कॉल ऑप्शन और सेल पुट ऑप्शन एंड अंडरलाइंग एसेट एट ए स्पेसिफाइड प्राइस विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। ऑप्शन क्या होता है, इसके अंदर होल्डर के पास राइट होता है लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, वो चाहे तो किसी ऑप्शन को बाय कर सकता है, किसी ऑप्शन को सेल कर सकता है किसी अंडरलाइंग एसेट का एक स्पेसिफाइड प्राइस पर विद इन सर्टेन टाइम फ्रेम। ऑप्शन आर कॉमनली यूज्ड फॉर हेजिंग और स्पेकुलेटिव पर्पस। इसका भी यूज हेजिंग और स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए करा जाता है। फिर आता है फॉरवर्ड। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर कस्टमाइज्ड एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एसेट एट अ फ्यूचर डेट एंड एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये एक तरीके के कस्टमाइज्ड एग्रीमेंट होते हैं जो कि दो पार्टीज के बीच में होते हैं, जिसमें वो किसी एसेट को फ्यूचर डेट पर और एक स्पेसिफाइड प्राइस पर खरीदने के लिए रेडी होते हैं। अनलाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर एंड हैव फ्लेक्सिबल टर्म। जो अब आप कहोगे कि जो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये दोनों सेम ही है, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ओवर द काउंटर नहीं होते, लेकिन जो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये ओवर द काउंटर होते हैं और फ्लेक्सिबल टर्म्स होती है, मतलब इसके अंदर सिर्फ दो ही पार्टी इन्वॉल्व होती है, किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पढ़ना है वो आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। म्यूचुअल फंड के बारे में बताया गया है सबसे पहले। तो म्यूचुअल फंड आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी सच एज स्टॉक बॉन्ड एंड अदर एसेट। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये जो फंड्स होते हैं ये अलग अलग इन्वेस्टर से उनका पैसा लेते हैं और उस सारे पैसे का एक पूल क्रिएट करके उसे अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब इसके अंदर कोई स्पेसिफाइड नहीं होता कि किसका पैसा किस कंपनी में लगा है, सबका पैसा इकट्ठा होकर अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है एक्सपर्ट की मदद से। तो वो जो मैकेनिज्म होता है, व्हीकल्स होते हैं, वो कहलाते हैं म्यूचुअल फंड। एडवांटेज क्या होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, सबसे पहला आता है आपका डाइवर्सिफिकेशन। तो म्यूचुअल फंड ऑफर इन्वेस्टर द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बाय इन्वेस्टिंग इन अ वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटी अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लास इंडस्ट्री एंड रीजन। अब जो इन्वेस्टर का पैसा होता है उसे इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलता है कि जो उसका पैसा है वो अलग अलग सिक्योरिटीज में, अलग अलग क्लास के एसेट में, अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट हो जाता है। दिस हेल्प रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग इन सिंगल सिक्योरिटी। इससे क्या होता है, किसी सिंगल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके लॉस का रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसका प्रोफेशनल मैनेज्मेंट होता है। तो म्यूचुअल फंड आर मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर हु मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। जो म्यूचुअल फंड होते हैं उन्हें प्रोफेशनल मैनेजर से मैनेज करते हैं, जिसे किनके, इन्वेस्टर के बिहाफ पर। फंड मैनेजर कंडक्ट रिसर्च, एनालाइज मार्केट ट्रेंड एंड एक्टिवली मैनेज द फंड पोर्टफोलियो टू अचीव द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ये जो फंड मैनेजर होते हैं ये मार्केट की रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं ट्रेंड को और फिर फंड के पोर्टफोलियो को एक्टिवली एक्टिव रहकर मैनेज करते हैं, मतलब कोई भी फ्लक्चुएशन होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये सेल परचेज करते रहते हैं। ठीक है,
फिर आता है वैरायटी ऑफ ऑप्शन होते हैं, तो म्यूचुअल फंड कम इन वेरियस टाइप्स एंड कैटेगरी इंक्लूडिंग इक्विटी फंड, बॉन्ड फंड, मनी मार्केट फंड, इंडेक्स फंड, सेक्टर फंड एंड बैलेंस फंड। जो ये म्यूचुअल फंड होते हैं ये कई सारे टाइप के होते हैं, कई सारे इनकी कैटेगरी है, इक्विटी फंड होते हैं, बॉन्ड फंड होते हैं, मनी मार्केट फंड होते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं, सेक्टर फंड होते हैं, बैलेंस फंड होते हैं। इन्वेस्टर कैन चूज फंड दैट अलाइन विद देयर इन्वेस्टमेंट गोल, रिस्क टॉलरेंस एंड टाइम होरिजन। तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग, रिस्क की टॉलरेंस के अकॉर्डिंग और टाइम ओरिजिन के अकॉर्डिंग इन्हें चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लिक्विडिटी का बेनिफिट होता है, तो म्यूचुअल फंड ऑफर लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर एज दे कैन बाय और सेल फंड शेयर ऑन एनी बिजनेस डे एट फंड नेट एसेट वैल्यू। दिस प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इन्वेस्टर टू एक्सेस द इंस्ट्रूमेंट व्हेन नीडेड। जो लिक्विड म्यूचुअल फंड होते हैं वो इन्वेस्टर को ऑफर करते हैं लिक्विडिटी का, मतलब वो अपने जो फंड होता है उसे कभी भी सेल और परचेज कर सकते हैं किसी भी बिजनेस डे में एट नेट एसेट वैल्यू, मतलब उस टाइम पर उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू पर। इससे क्या आती है, जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है उनकी इन्वेस्टमेंट से। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी, तो म्यूचुअल फंड आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर होल्डिंग परफॉर्मेंस फीस एंड एक्सपेंस टू इन्वेस्टर रेगुलरली। जो म्यूचुअल फंड होते हैं इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है क्योंकि इनको अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें अपनी होल्डिंग के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, फीस के बारे में और एक्सपेंसेस के बारे में बताना पड़ता है। द ट्रांसपेरेंसी अलाउ इन्वेस्टर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड मॉनिटर द फंड परफॉर्मेंस ओवर टाइम। इन इन्फॉर्मेशन की, ट्रांसपेरेंसी की मदद से इन्वेस्टर क्या कर पाते हैं, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और अपने फंड परफॉर्मेंस की, फंड की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाते हैं ओवर द टाइम। ठीक है, ये आपके बेनिफिट हो गए म्यूचुअल फंड के। अब आती हैं लिमिटेशन, क्या क्या होती हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। तो फीस एंड एक्सपेंस, तो म्यूचुअल फंड टिपिकली चार्ज मैनेजमेंट फीस, सेल्स चार्ज एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस विच कैन रिड्यूस द ओवरऑल रिटर्न फॉर इन्वेस्टर। जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो एक्सपर्ट के द्वारा मैनेज करे जाते हैं, तो मैनेजमेंट की फीस लगती है, सेल्स चार्जेस लगते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगते हैं, जिससे जो ओवरऑल रिटर्न होता है इन्वेस्टर का वो कम हो जाता है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर टू केयरफुली रिव्यू द फी स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड बिफोर इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले म्यूचुअल फंड का फीस स्ट्रक्चर क्या है एक बार उसे ध्यान से देख लेना चाहिए। फिर आता है लैक ऑफ कंट्रोल, तो व्हेन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर डेलीगेट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू प्रोफेशनल फंड मैनेजर। इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को प्रोफेशनल फंड मैनेजर के ऊपर डेलीगेट कर देते हैं। दिस मीन्स इन्वेस्टर हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर द इंडिविजुअल सिक्योरिटी सिलेक्शन एंड टाइमिंग ऑफ ट्रेड विद इन द फंड पोर्टफोलियो। तो इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है उसका कंट्रोल कम हो जाता है उसकी इंडिविजुअल सिक्योरिटी सिलेक्शन पर और ट्रेड करने की टाइमिंग पर। ठीक है, फिर आता है मार्केट रिस्क होता है, तो म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड द वैल्यू ऑफ फंड पोर्टफोलियो कैन फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो मार्केट का रिस्क उसमें भी होता है, उसकी भी जो वैल्यू है वो मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होती रहती है। When while diversification can help mitigate risk, it does not eliminate the possibility of loss. ये होता है कि जो diversification होती है उससे क्या होता है, जो आपका risk है वो mitigate हो जाता है लेकिन पूरी तरीके से eliminate नहीं हो पाता है और loss की possibility रहती ही रहती है। फिर आता है tax implication, तो investor in mutual fund may subject to tax on capital gain, dividend and interest income generated by fund portfolio. जो इन्वेस्टर होते हैं म्यूचुअल फंड के उन्हें अगर किसी भी तरीके का कैपिटल गेन होता है, डिविडेंड मिलता है या इंटरेस्ट की इनकम आती है तो उन्हें उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। एडिशनली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर में भी लायबल फॉर कैपिटल गेन टैक्स व्हेन द फंड सेल सिक्योरिटी एट अ प्रॉफिट। इवन उन पर कैपिटल गेन भी लगता है अगर उनकी सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ जाती है और जब वो उसे सेल करते हैं अगर उस पर प्रॉफिट होता है उन्हें तो उस पर उन्हें कैपिटल गेन भी देना पड़ता है। फिर आता है पोटेंशियल फॉर अंडर परफॉर्मेंस, नॉट ऑल म्यूचुअल फंड आउट परफॉर्म देयर बेंचमार्क और डिलीवर सुपीरियर रिटर्न। सम फंड में अंडर परफॉर्म ड्यू टू फैक्टर्स सच एज हाई फी, पुअर मैनेजमेंट डिसीजन और एडवर्स मार्केट कंडीशन। जरूरी नहीं है सारे जो म्यूचुअल फंड है वो एक सुपीरियर रिटर्न पर ही ट्रेड करें, मतलब सुपीरियर रिटर्न ही दें, ऐसा नहीं होता है। कुछ फंड होते हैं जो अंडर परफॉर्म भी करते हैं हाई फीस की वजह से, पुअर मैनेजमेंट डिसीजन की वजह से या फिर एडवर्स मार्केट कंडीशन की वजह से। फिर आता है रिडेम्पशन रिस्ट्रिक्शन, तो सम म्यूचुअल फंड में इंपोज रिडेम्पशन फी और हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग और शेयरिंग शेयर विच कैन लिमिट एन इन्वेस्टर एबिलिटी टू एक्सेस देयर मनी व्हेन नीडेड। कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो रिडेम्पशन फीस इंपोज करते हैं, मतलब जब आप अपने शेयर्स को बेचोगे तो आपसे कुछ फीस ली जाती है, या फिर वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप इतने ही टाइम शेयर्स को सेल और परचेज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी अपनी मनी के ऊपर से ही एक्सेस कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। फिर आता है ओवर डाइवर्सिफिकेशन, तो वाइल डाइवर्सिफिकेशन इज अ की बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड, इट इज पॉसिबल फॉर इन्वेस्टर टू बिकम ओवर डाइवर्सिफाइड इफ इन्वेस्ट इन टू मेनी फंड विद ओवरलैपिंग होल्डिंग। क्या बोला है, वैसे तो जो
डाइवर्सिफिकेशन है वो एक बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का, लेकिन अगर इन्वेस्टर का जो पैसा है वो ज्यादा ही डाइवर्सिफाई हो जाता है तो उससे ओवर डाइवर्सिफिकेशन का और ओवरलैपिंग का रिस्क हो जाता है, विच कैन डायलेट द पोटेंशियल ऑफ बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। और इससे क्या होता है, जो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट होता है म्यूचुअल फंड का, वो बेनिफिट खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब किस किस तरीके के म्यूचुअल फंड एक तरीके से होते हैं। तो इसमें पहला आता है आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड दैट इज ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज सिमिलर टू इंडिविजुअल स्टॉक। ये क्या होता है, सेम स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करता है जैसे कि इंडिविजुअल ट्रेड होता है। ETF are designed to track the performance of specific index, commodity, bond or basket of asset. इसके अंदर क्या होता है, ये एक commodity का, bond का या फिर basket of asset की performance को measure करता है। Advantage क्या होते हैं ETF के, so, सबसे पहले वही है diversification. ETF offer exposure to a diversified portfolio of security which can help spread investment risk across various asset and sector. इसके अंदर म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है, इसलिए वही चीज है कि इसके अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो अलग अलग सिक्योरिटीज में होती है, तो इससे आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क कम हो जाता है कि क्योंकि आपका पैसा अलग अलग एरियाज और सेक्टर में इन्वेस्ट हो रखा होता है। दिस डाइवर्सिफिकेशन कैन हेल्प रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ वॉलेटिलिटी इन सिंगल सिक्योरिटी और सेक्टर ओवर पोर्टफोलियो। और किसी एक सिंगल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके अगर वॉलेटिलिटी का रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। फिर आता है लोअर कॉस्ट। तो ETF टिपिकली हैव लोअर एक्सपेंस रेशियो कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड। जो ETF होते हैं आपके, उनमें जो एक्सपेंस होते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। दिस इज बिकॉज मोस्ट ETF आर पैसिवली मैनेज्ड एंड डिजाइन टू ट्रैक एन इंडेक्स रिजल्ट इन लोअर मैनेजमेंट फी एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्यों होते हैं इनमें जो एक्सपेंस होते हैं वो कम क्यों होते हैं, क्योंकि इनका ये इस तरीके से डिजाइन करे जाते हैं और मैनेज करे जाते हैं कि इसके अंदर जो मैनेजमेंट फी होती है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं वो कम आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी। तो ETF ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक इंडिविजुअल स्टॉक प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर विद द एबिलिटी टू बाय एंड शेयर थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे एट मार्केट प्राइस। ETF भी वही लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाते हैं, कभी भी आप ट्रेडिंग डे के ड्यूरेशन में, कभी भी जो आपका ट्रेडिंग आवर्स होते हैं उसमें कभी भी सिक्योरिटीज को सेल और परचेज कर सकते हैं। इससे आपको लिक्विडिटी मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इन्वेस्टर के पास। ट्रांसपेरेंसी का वही सारे म्यूचुअल फंड वाले ही आएंगे ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इन्हें अपनी सारी चीज़ों के बारे में डेली बेसिस पर अपने इन्वेस्टर को बताना होता है, जो भी इनके एक्सपेंस हैं, जो इनका फीस वगैरह है, सारी चीज़ें। टैक्स एफिशिएंसी है। तो ETF आर जनरली मोर टैक्स एफिशिएंट देन म्यूचुअल फंड ड्यू टू देयर यूनिक स्ट्रक्चर। दे टेंड टू हैव लोअर कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियली रिजल्टिंग इन टैक्स एडवांटेज। इसके अंदर कैपिटल गेन इतना नहीं होता है, इसकी वजह से टैक्स का एडवांटेज मिलता है, टैक्स इंप्लीकेशन ज़्यादा नहीं आती है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि बहुत सारे क्लास ऑफ एसेट में पैसा इन्वेस्ट होता है, अलग अलग स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी में। तो इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है उसकी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग मार्केट का, अलग अलग सेक्टर्स का, हर तरीके का एक्सपोजर मिल जाता है। फिर है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ETF कैन बी बॉट एंड सोल्ड थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे एट मार्केट प्राइस प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर विद इंट्राडे ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। अगर चाहे इन्वेस्टर तो इसको इंट्राडे के फॉर्म में भी डील कर सकता है ETF के साथ। ठीक है, दूसरा होता है जो म्यूचुअल फंड का डेवलपमेंट है वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे SIP बोला जाता है। SIP इज अ डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी दैट अलाउ इन्वेस्टर टू कंट्रीब्यूट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एट रेगुलर इंटरवल इनटू अ सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। SIP क्या होती है, इसके अंदर जो इन्वेस्टर होता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलर इंटरवल पर, चाहे वो वीकली, मंथली या क्वार्टरली, इन्वेस्ट करता है किसी म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, तो वो कहलाती है आपकी SIP। SIP आर पॉपुलर इन्वेस्टमेंट मेथड फॉर इंडिविजुअल लुकिंग टू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल मार्केट ओवर द लॉन्ग टर्म। SIP किसके लिए बेटर है, ऐसे इंडिविजुअल के लिए जो कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट रिटर्न जनरेट करना चाहता है मार्केट के अंदर, उसके लिए SIP बेटर होती है। बेनिफिट क्या क्या होते हैं SIP के, सबसे पहले डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग होती है। तो SIP इंक्रीज रेगुलर एंड डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग बाय ऑटोमेटिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। जो इन्वेस्टर होता है उसकी हैबिट सुधर जाती है, वो डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टिंग करता है, क्योंकि उसे रेगुलर इंटरवल पर अमाउंट डिपॉजिट करनी होती है। बाय कंट्रीब्यूटिंग फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल इन्वेस्टर कैन अवॉइड मार्केट टाइमिंग डिसीजन एंड बेनिफिट फॉर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग ओवर टाइम। इससे उसकी जो मार्केट टाइमिंग के डिसीजन होते हैं वो अवॉइड हो जाते हैं और उसको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। फिर आता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो थ्रू SIP इन्वेस्टर बाय मोर यूनिट व्हेन प्राइस आर लो एंड फ्यूअर यूनिट व्हेन प्राइस आर हाई। दिस स्ट्रेटेजी नोन एज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि जब प्राइस लो होता है तो इन्वेस्टर को ज्यादा यूनिट मिल जाती है किसी फंड की, और जब प्राइस हाई होता है तो उसे कम यूनिट मिलती है।
This strategy helps to reduce the impact of market volatility on overall investment and potential lead to lower average cost per unit over the time. तो इससे क्या होता है, जो आपका वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाता है और जो लोअर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट होती है वो लोअर हो जाती है। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो एस आई पी ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड एबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज द इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन चेंजिंग फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस। एस आई पी जो होते हैं वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी की कंट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को चेंज कर सकते हैं और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं जैसे आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस हो उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, तो एस आई पी आर वेल सुटेड फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एंड फाइनेंशियल गोल्स सच एज रिटायरमेंट प्लानिंग, एजुकेशन फंडिंग और बिल्डिंग अ कॉर्प्स फॉर मेजर लाइफ इवेंट। एस आई पी किस लिए बेटर होती है, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बेटर होती है कि अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल अचीव करने हैं कि आपने रिटायरमेंट के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं या फिर एजुकेशन के लिए फंडिंग करना चाहते हैं या किसी मेजर लाइफ इवेंट के लिए कॉर्प्स फंड बिल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए ये बेटर होती है। फिर डाइवर्सिफिकेशन, वही होता है आपका आपका जो इन्वेस्टर का पैसा होता है वो अलग अलग एसेट में अलग अलग एरियाज में इन्वेस्ट करा जाता है। लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो मेनी म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ ऑफर एसआईपी विद लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट मेक इट एक्सेसिबल फॉर इन्वेस्टर विद वेरिंग लेवल ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट हो जाती है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास जो बहुत ज्यादा अमाउंट हो तभी आप एसआईपी कर सकते हैं, आप मिनिमम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, तो म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ आर मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर हु मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर लिवरेजिंग देयर एक्सपर्टीज एंड रिसर्च कैपेबिलिटी। जो ये ईटीएफ होते हैं और जो एसआईपी होती हैं इन सभी को भी, इनको भी जो म्यूचुअल फंड है उन्हीं की तरह प्रोफेशनल फंड मैनेजर ही मैनेज करते हैं इन्वेस्टर के बिहाफ पर अपनी एक्सपर्टीज और रिसर्च कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये था आपका कंसेप्ट फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह का, इन सारी चीजों का। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आपका, वो हो रहा है स्टार्ट कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस इज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म डिजाइन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स। इंश्योरेंस क्या होता है, एक तरीके का प्रोटेक्शन होता है अनसर्टेन इवेंट के अगेंस्ट जो रिस्क होता है उसके लिए। इट ऑपरेट ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिस्क पूलिंग वेयर इंडिविजुअल और एंटिटी फेसिंग सिमिलर रिस्क कंट्रीब्यूट प्रीमियम इनटू अ कलेक्टिव फंड। ये क्या होता है, एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ रिस्क पूलिंग के ऊपर काम करता है, जो कि क्या कहता है कि जो इंडिविजुअल या एंटिटी जिनका रिस्क सिमिलर हो वो एक सिमिलर फंड में अपना प्रीमियम पे करके एक फंड क्रिएट कर सकती हैं। Those who experience covered loss receive compensation from this fund. और फिर अगर इनमें से किसी इंडिविजुअल या एंटिटी को कोई लॉस होता है तो फिर उसे इस फंड में से पैसा या सपोर्ट मिल जाएगी। The concept of insurance involves several key element. कुछ एलिमेंट होते हैं इंश्योरेंस के कंसेप्ट के। सबसे पहले इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो द इंश्योर्ड मस्ट हैव अ लेजिटिमेट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। जिस भी चीज का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है उसके अंदर जो इंश्योर्ड है उसका एक इंटरेस्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल इंटरेस्ट की, हाँ उसका पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट में। दिस इंश्योर दैट इंश्योरेंस इज नॉट यूज्ड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस। ये किस लिए बोला गया इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ताकि जो आपके इंश्योरेंस का पैसा है इंश्योरेंस है उसको स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए यूज ना किया जा सके। फिर आता है रिस्क ट्रांसफर, तो इंश्योरेंस ट्रांसफर द रिस्क ऑफ पोटेंशियल लॉस फ्रॉम इंश्योर्ड इंडिविजुअल और एंटिटी टू इंश्योरर। इसके अंदर जो आपका रिस्क होता है वो इंश्योर्ड इंडिविजुअल के ऊपर से इंश्योरर के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। इन एक्सचेंज फॉर प्रीमियम द इंश्योरर एग्री टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर कवर्ड लॉस। इसके अंदर क्या होता है, जो इंश्योर्ड इंडिविजुअल होता है मतलब जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा होता है वो प्रीमियम पे करता है और उसके बदले में अगर कभी उसे आगे चलकर कोई लॉस होता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उसके उस लॉस को कवर करेगी। फिर आता है प्रीमियम होती है, तो इंश्योर्ड पार्टी पे या प्रीमियम टू इंश्योरर टिपिकली ऑन रेगुलर बेसिस मंथली एनुअली क्वार्टरली दिस प्रीमियम कंट्रीब्यूट टू पूल ऑफ फंड यूज्ड टू पे क्लेम्स। जो इंश्योर्ड पार्टी होती है मतलब जो इंश्योरेंस करवा रही होती है उसे एक प्रीमियम पे करनी होती है रेगुलर बेसिस पर, चाहे वो मंथली करे क्वार्टरली करे या एनुअली करे। अब किस लिए, ये जो इंश्योरेंस है इसे मेंटेन करने के लिए। फिर आता है पॉलिसी, तो द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और पॉलिसी आउटलाइन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ कवरेज इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ रिस्क कवर्ड द कवरेज लिमिट एंड एनी एक्सक्लूजन और कंडीशन। पॉलिसी क्या होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी एक तरीके का डॉक्यूमेंट होती है जिसमें आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंटेन होती है कि क्या क्या चीजें कवर करी गई हैं, किस टाइप का रिस्क कवर करा गया है, कितनी कवरेज लिमिट है और क्या क्या एक्सक्लूजन है और क्या क्या कंडीशन इंक्लूड करी गई है, ठीक है। फिर आता है अंडरराइटिंग, तो इंश्योरर असेस द रिस्क एसोसिएटेड विद इंश्योरिंग अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और एंटिटी एंड डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट प्रीमियम टू चार्ज बेस्ड ऑन फैक्टर।
such as likelihood of loss, value of insured property and desired level of coverage. जो इंश्योरर होता है वो रिस्क जो एसोसिएट होता है इंश्योरिंग पार्टी के साथ उसे असेस करता है और उसके बेसिस पर प्रीमियम चार्ज करता है, जो कि किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितना लाइकलीहुड है लॉस का, कि लॉस होने के कितने चांसेस हैं, इंश्योर्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है और कवरेज कितनी कवर करनी है। नेक्स्ट आता है क्लेम प्रोसेस। तो व्हेन अ कवर्ड लॉस ऑकर द इंश्योर्ड पार्टी फाइल अ क्लेम विद इंश्योरर। जब अगर कोई लॉस इनकर हो जाता है तो जिस पर्सन ने इंश्योरेंस करवा रखा होता है वो इंश्योरर कंपनी के पास मतलब एक क्लेम फाइल करता है। द इंश्योरर देन इन्वेस्टिगेट द क्लेम टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी। फिर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इस क्लेम को इन्वेस्टिगेट करती है उसकी वैलिडिटी जानने के लिए, और अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर उसे कंपनसेशन दे दिया जाता है पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इसके एलिमेंट होते हैं इंश्योरेंस के। अब देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस की। जो इंश्योरेंस है उसके अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल वर्क करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो द प्रिंसिपल रिक्वायर बोथ द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर टू एक्ट इन अटमोस्ट गुड फेथ एंड डिस्क्लोज ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑनेस्टली एंड एक्यूरेटली। क्या बोला है, जो दोनों पार्टी इन्वॉल्व होती हैं इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को अटमोस्ट गुड फेथ के अंदर काम करना है और जो भी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है इंश्योरेंस से रिलेटेड उसे ऑनेस्टली और एक्यूरेटली बताना है। द इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट एंड ट्रस्टफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट रिस्क बीइंग इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर मस्ट प्रोवाइड क्लियर एंड एक्यूरेट डिटेल अबाउट द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पॉलिसी। जो पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है वो सारे रिस्क के बारे में बताएगा कि जिस चीज का इंश्योरेंस ले रहा है उसको किस चीज का रिस्क है, और जो इंश्योरेंस दे रहा है वो सारी पॉलिसी के बारे में क्लियरली बताएगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स द इंश्योर्ड मस्ट हैव फाइनेंशियल स्टेक इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है जिस चीज का उसके अंदर उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब उसका पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए उस चीज में। इन अदर वर्ड द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ फाइनेंशियल लॉस इफ द इंश्योर्ड इवेंट ऑकर। इसका मतलब क्या है कि अगर जो इवेंट बताया जा रहा है जिस चीज का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है उसके साथ कोई कुछ चीज होती है, मतलब कोई इवेंट हो जाता है या कोई एक्सीडेंट होता है, तो उससे जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है उसका नुकसान होना जरूरी है। द प्रिंसिपल प्रिवेंट इंश्योरेंस फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस। ये प्रिंसिपल किससे बचाता है, इंश्योरेंस का स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए यूज होने से बचाता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी स्टेट दैट इंश्योरेंस इज मेन टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस सफर्ड अप टू द अमाउंट ऑफ पॉलिसी कवरेज। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है कि जितना लॉस हुआ है उसके लिए कंपनसेट करना है लेकिन विद इन द पॉलिसी लिमिट अमाउंट। मतलब अगर 10,000 का लॉस हुआ है लेकिन पॉलिसी 8,000 तक की है तो 8,000 के लिए कंपनसेट करना है, लेकिन अगर 10,000 का लॉस हुआ है 20,000 की पॉलिसी है तो सिर्फ 10,000 रुपए के लिए ही कंपनसेट करना है। द ऑब्जेक्टिव इज टू रिस्टोर द इंश्योर टू द सेम फाइनेंशियल पोजिशन दे वॉज बिफोर इन द लॉस ऑकर्ड विदाउट अलाउइंग फॉर गेन और प्रॉफिट। मतलब इसके अंदर इंश्योरेंस से किसी पर्सन को गेन या प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो व्हेन द सेम रिस्क इज इंश्योर्ड विद मल्टीपल इंश्योरर ईच इंश्योरर शेयर द बर्डन ऑफ लॉस प्रोपोर्शनली अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस दे प्रोवाइड। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है कि अगर एक ही चीज के लिए एक से ज्यादा इंश्योरेंस ले रखे हैं तो अगर लॉस होता है तो वो सारे इंश्योरेंस वाले मिलाकर आपको उसके लिए कंपनसेट करेंगे जितनी जितनी अमाउंट का आपने उनसे इंश्योरेंस ले रखा होगा उसके प्रोपोर्शन में। दिस प्रिंसिपल इंश्योर दैट इंश्योर्ड डज नॉट प्रॉफिट फ्रॉम द लॉस एंड इवेंट प्रिवेंट ओवर इंश्योरेंस। मतलब एक ज्यादा इंश्योरेंस लेने से कहीं उसे प्रॉफिट ना हो जाए इस चीज का ध्यान रखता है ये प्रिंसिपल। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन अलाउ द इंश्योरर आफ्टर सेटलिंग अ क्लेम विद द इंश्योर टू अज्यूम दैट इंश्योर्ड राइट एंड परस्यू लीगल एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन क्या कहता है कि अगर इंश्योर्ड को उसका इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया है तो अब इंश्योरेंस पार्टी के पास, मतलब जिसने इंश्योरेंस दिया है उसके पास राइट आ जाता है कि वो उस क्लेम को जिस पार्टी के वजह से लॉस हुआ है उससे क्लेम कर सकती है। द ऑब्जेक्टिव इज टू रिकवर द अमाउंट ऑफ क्लेम पेमेंट फ्रॉम पार्टी एट फॉल्ट देयर बाय रिड्यूसिंग द इंश्योरर लॉस। ये प्रिंसिपल किस लिए है, ताकि जो जिस पार्टी ने की वजह से फॉल्ट हुआ है मतलब एक्सीडेंट वगैरह जो कुछ भी हुआ है उससे लॉस को कवर करा जा सके, ये चीज ध्यान रखता है ये प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। तो द प्रिंसिपल डिटरमाइन विच कॉज और इवेंट डायरेक्टली लीड टू लॉस और वेदर इट इज कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज क्या देखता है कि क्या चीज इंश्योरेंस के अंदर कवर करी गई है और किस चीज की वजह से डायरेक्टली इवेंट मतलब लॉस हो सकता है। द इंश्योरर ओनली कंपनसेट फॉर लॉस कॉज्ड बाय पेरिल और इवेंट कवर्ड इन पॉलिसी। ये ध्यान रखता है कि सिर्फ
इंश्योरर उसी के लिए कंपनसेट करे जो चीज पॉलिसी के अंदर कवर की गई है। अगर उससे बाहर से कोई इवेंट होता है तो उसके लिए इंश्योरर कंपनी का मतलब इंश्योरेंस कंपनी का कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, तो द इंश्योर्ड हैज अ ड्यूटी टू टेक रिस्पांसिबल स्टेप टू मिनिमाइज और मिटिगेट द एक्सटेंट ऑफ लॉस आफ्टर एन इंश्योर्ड इवेंट ऑकर। क्या बोला है, जो इंश्योर्ड है मतलब जो पर्सन इंश्योरेंस करवाता है वो अगर कोई इवेंट हो जाता है जिसके लिए इंश्योरेंस करवाया है उसने, तो वो ये ना करे कि हाँ मेरा तो इंश्योरेंस से हो जाने दो लॉस। वो ध्यान रखे जितना कम से कम वो लॉस को कर सकता है उतना उसे स्टेप्स लेने हैं उस लॉस को रिड्यूस करने के। फेलियर टू डू मे अफेक्ट द इंश्योरर एबिलिटी टू कंपनसेट फॉर द लॉस। अगर ऐसा नहीं करता है, वो फेल होता है मतलब वो स्टेप्स लेते ही नहीं है उसे कम करने के, तो उसके लिए फिर उसे कंपनसेट नहीं करा जाएगा। तो ये 7 प्रिंसिपल के ऊपर आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी वर्क करती है। अब आपके टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होंगे। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है। लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द इंश्योरेंस कंपनी वेयर द इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे अ डेजिग्नेटेड सम ऑफ मनी टू द डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी अपॉन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। ये क्या होता है, एक इंडिविजुअल के बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो किसी पर्सन के मरने के बाद उसके डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी को कंपनसेट करती है, पैसा देती है, वो कहलाता है आपका लाइफ इंश्योरेंस। द पॉलिसी होल्डर पे अ प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी आइदर इन लमसम और पीरियडिकली टू मेंटेन द कवरेज। इसके लिए जो पर्सन पॉलिसी होल्डर होता है वो या तो एक लमसम अमाउंट में कोई प्रीमियम पे कर देता है या फिर पीरियडिकली जब तक वो जिंदा रहता है तब तक प्रीमियम पे करता रहता है, और जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बेनिफिशियरी को या लीगल हायर को उसका वो क्लेम मिल जाता है। अब ये प्रिंसिपल किस किस कौन कौन से प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर वर्क करते हैं, तो जो हमने पढ़े हैं उसमें से अटमोस्ट गुड फेथ, तो इसके अंदर क्या आता है, ये सारे मैं आपको एक्सप्लेन पहले कर चुका हूँ। अब इनके रेफरेंस में डायरेक्टली जल्दी जल्दी समझा कर चलूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं है, दोबारा रीड करके टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है। अटमोस्ट गुड फेथ क्या कहता है कि जो इंश्योर्ड है और इंश्योरर है वो सारी कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इंश्योर्ड की हेल्थ के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में और जितने भी फैक्टर हैं उसके बारे में जब वो इंश्योरेंस ले रहा होगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, तो जो पॉलिसी होल्डर है उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए इंश्योर्ड की लाइफ में। फैमिली मेंबर हैविंग अ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी मतलब तभी ये वर्क करता है जब जो बाकी फैमिली मेंबर रह जाएंगे डेथ के बाद वो उसी जिस पर्सन की डेथ हो गई है उसके ऊपर डिपेंड थे, तो फिर इसका क्लेम मिलता है। इंडेमनिटी का प्रिंसिपल, तो लाइफ इंश्योरेंस एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल कंपनसेशन टू मिटिगेट द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ इंश्योर्ड डेथ। ये किस लिए करवाया जाता है इंश्योरेंस, ताकि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इंश्योर्ड की डेथ से मतलब जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाने से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है उसकी फैमिली पर उसे कंपनसेट करने के लिए मिटिगेट करने के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है। कंट्रीब्यूशन, तो अगर उसने एक से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस ले रखे हैं तो उसे का जो बेनिफिट है वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जितने जितने अमाउंट का उसने जहाँ से भी इंश्योरेंस ले रखा था वो सभी प्रोपोर्शन अमाउंट में उसे कंपनसेट कर देंगे उसके लीगल हायर को। फिर सबरोगेशन, तो इन सर्टेन केस द इंश्योरर में परस्यू लीगल एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योर डेथ सच केस केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। सबरोगेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर जो इंश्योर्ड पर्सन है मतलब जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ किसी एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसके हायर को तो जो भी बेनिफिशियरी है या लीगल हायर है उसे कंपनसेट कर देगी, लेकिन फिर वो जो थर्ड पार्टी जिसकी वजह से डेथ हुई है उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का राइट इंश्योरेंस कंपनी के पास आ जाता है। प्रॉक्सिमेट कॉज क्या कहता है, तो डेथ बेनिफिट इज पेड आउट इफ द इंश्योर्ड डेथ इज कॉज्ड बाय कवर्ड इवेंट स्पेसिफाइड इन पॉलिसी। क्या बोला है, डेथ का जो कवरेज है वो तभी दिया जाएगा, क्लेम तभी दिया जाएगा जब जिस इवेंट की वजह से डेथ हुई है वो पॉलिसी के अंदर कवर हो रखा होगा, तो ठीक है। एडवांटेज क्या क्या होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर बेनिफिशियरी, जो मरने के बाद जिस पर्सन की डेथ हो जाती है उसके बाद जो उसके बेनिफिशियरी होते हैं उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट ना आए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ना आए, उसे कवर करने के लिए ये करवाया जाता है। स्टेट प्लानिंग, तो टूल फॉर स्टेट प्लानिंग टू इंश्योर दैट एसेट आर ट्रांसफर्ड स्मूथली टू हायर एंड टू कवर स्टेट टैक्सेस। स्टेट प्लानिंग मतलब जो भी जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके जो भी एसेट वगैरह हैं वो स्मूथली ट्रांसफर हो जाए उसके लीगल हायर को, कोई परेशानी ना आए, ये इसका एक एडवांटेज होता है। इनकम रिप्लेसमेंट, तो इट्स सर्व एज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर डिपेंडेंट हू रिलाय ऑन इंश्योर्ड अर्निंग। जो डिपेंड बेनिफिशियरी हैं जो कि इंश्योर्ड की अर्निंग पर डिपेंड होते थे अब उनको रिप्लेस कर दिया जाता है इससे कंपनसेट करके, तो एक तरीके से कुछ टाइम तक उनका डेली की जो लाइफ होती है वो स्मूथली चलती रहती है। फिर है टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो इसमें ये टैक्स फ्री होता है, जो अमाउंट मिलती है किसी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। डिसएडवांटेज क्या होती है, तो कॉस्ट, तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ पॉलिसी द इंश्योर्ड एज एंड हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कैन बी एक्सपेंसिव। जो प्रीमियम दी जाती है वो एक्सपेंसिव हो सकती है इसके अंदर,
फिर कॉम्प्लेक्सिटी, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी कॉम्प्लेक्स विद वेरियस ऑप्शन एंड फीचर दैट मे बी डिफिकल्ट फॉर पॉलिसी होल्डर टू अंडरस्टैंड फुली। ये कई बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को समझना पॉलिसी होल्डर के लिए। फिर लैप्स रिस्क, तो इफ द पॉलिसी होल्डर फेल टू पे प्रीमियम द कवरेज में लैप्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ प्रोटेक्शन एंड पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस। अगर पॉलिसी होल्डर प्रीमियम के अमाउंट पे नहीं कर पाता है तो उसका जो भी अमाउंट पे करी होती है वो सारी खत्म हो जाती है, लैप्स हो जाती है और उसको फाइनेंशियल लॉस का खतरा हो जाता है। फिर है कैश वैल्यू एक्युमुलेशन, तो पॉलिसी विद कैश वैल्यू कंपोनेंट सच एज होल लाइफ इंश्योरेंस में हैव लोअर रिटर्न कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट। कुछ होते हैं इसमें जो कि रिटर्न बहुत ज्यादा कम देते हैं एज कम्पेयर टू जितना आप उनमें प्रीमियम देते हैं। फिर पोटेंशियल फॉर मिस सेलिंग, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में भी सोल्ड विद फीचर और बेनिफिट दैट आर नॉट सुटेबल फॉर पॉलिसी होल्डर नीड लीडिंग टू डिससेटिस्फेक्शन। नीड के बिना भी कई बार ये इंश्योरेंस सेल कर दिए जाते हैं, सिर्फ जो इंश्योरेंस सेलर होते हैं वो अपना फायदा बनाने के लिए बिना जरूरत के भी इन इंश्योरेंस को सेल कर देते हैं पॉलिसी होल्डर को, तो इसका भी एक पोटेंशियल मिस सेलिंग का रिस्क होता है। फिर आता है हमारा टर्म इंश्योरेंस क्या होते हैं, तो टर्म इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड कवरेज फॉर स्पेसिफाइड पीरियड नोन एज टर्म। ये भी एक तरीके के लाइफ इंश्योरेंस ही होते हैं लेकिन एक डेफिनेट टर्म के लिए होते हैं, कुछ एक टाइम पीरियड के लिए ये कवरेज प्रोवाइड करवाते हैं। इफ इंश्योर डाई ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी या डेथ बेनिफिट पेड आउट टू डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी, और अगर उस टर्म पीरियड के अंदर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो फिर उसके बेनिफिशियरी को उसका पैसा मिल जाता है। टर्म इंश्योरेंस डिजाइन टू ऑफर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 5 to 30 years। ये 5 साल से लेकर 30 साल तक की टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है कि आप कौन सी पॉलिसी लेते हैं, 5 साल से मिनिमम होता है और 30 ईयर तक के ये हो जाते हैं। टाइप्स होते हैं इसमें लेवल प्रीमियम और लेवल टर्म पॉलिसी, तो दिस पॉलिसी प्रोवाइड कवरेज फॉर 10 to 30 years, 10 से 30 साल तक के लिए ये कवरेज प्रोवाइड करवाते हैं। प्रीमियम की जो अमाउंट होती है और डेथ बेनिफिट होती है वो फिक्स होता है, मतलब पहले से पता होता है इस वाले टाइप के अंदर। दूसरा आता है द ईयरली रिन्यूएबल टर्म पॉलिसी, तो इसके अंदर क्या होता है आपको इसे ईयरली रिन्यू करवाना पड़ता है। ये एक डेफिनेट टर्म के लिए होते हैं लेकिन इसे आपको ईयर टू ईयर रिन्यू करवाना पड़ता है। फिर आता है द पॉलिसी ऑफ डिक्रीजिंग टर्म, तो अंडर दिस स्कीम द डेथ बेनिफिट ऑफ दिस प्लान डिक्रीज एनुअली अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड शेड्यूल। द पॉलिसी होल्डर पे अ फिक्स्ड लेवल प्रीमियम थ्रू आउट द पॉलिसी ड्यूरेशन। इसके अंदर क्या होता है जो डेथ का बेनिफिट होता है वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे डेथ का बेनिफिट कम होता जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एंडोमेंट पॉलिसी, तो एंडोमेंट पॉलिसी इज अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड बोथ डेथ बेनिफिट एंड सेविंग और इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट। एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है आपको डेथ का बेनिफिट भी मिलता है और साथ में ही आपकी एक तरीके की सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी होती है। इट कंबाइन द एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन विद सेविंग और इन्वेस्टमेंट फीचर ऑफरिंग अ लंपसम पे आउट आइदर अपॉन द इंश्योर्ड डेथ और एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड टर्म। इसके अंदर क्या होता है एक स्पेसिफाइड टर्म के लिए होता है, अगर उस टर्म पीरियड में जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके डेथ का बेनिफिट उसके बेनिफिशियरी को मिल जाता है, और अगर उस टर्म के अंदर डेथ नहीं होती है तो जब उसकी टर्म खत्म हो जाती है मैच्योरिटी आ जाती है तो एक लमसम अमाउंट उस इंश्योर्ड पर्सन पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाता है मैच्योरिटी पीरियड के बाद, ठीक है। अब इसके टाइप होते हैं एंडोमेंट पॉलिसी के, एक होता है फुल एंडोमेंट, तो दिस प्लान आल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंडोमेंट प्लान। अंडर दिस प्लान द कस्टमर विल गेट अ सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, इफ एनी अनयूजुअल इवेंट ओकर ड्यूरिंग दिस टाइम द इंश्योरेंस विल पे द अमाउंट टू द नॉमिनी। फुल एंडोमेंट वही है सिंपल वाले जो होते हैं कि अगर कुछ इवेंट नहीं होता है मतलब डेथ नहीं होती है तो उसे मैच्योरिटी पर एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, और अगर डेथ हो जाती है तो फिर उसका जो नॉमिनी होगा उसे वो अमाउंट दे दी जाती है। यूनिट लिंक्ड एंडोमेंट प्लान होते हैं, तो दिस प्लान इज सुटेबल फॉर पीपल हु आर रिस्क टेकर एंड वांट बिग रिटर्न। ये किन के लिए होते हैं, ऐसे पर्सन जो रिस्क टेकर है और जिन्हें रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। फिक्स टर्म प्लान प्रीमियम आर यूज्ड टू बाय इन्वेस्टमेंट फंड यूनिट, इसके अंदर फिक्स टर्म प्लान प्रीमियम पे करा जाता है, इन्वेस्टमेंट यूनिट ही खरीद ली जाती है, ठीक है। फिर होता है नॉन प्रॉफिट एंडोमेंट, तो दिस पॉलिसी पे आर लमसम एट मैच्योरिटी और टू योर नॉमिनी इन अ कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट वेयर इवेंट वेयर एवर विच एवर कम फर्स्ट। The compensation amount is fixed and static. This policy does not offer any bonuses. इसके अंदर क्या होता है non-profit endowment में same वही है, बस इसके अंदर जो आपकी compensation की amount होती है वो fix होती है। Low cost endowment क्या होते हैं, this plan demand lower premium which allow the policy holder to save for future payment. The insurance guarantees the payment of sum assured to your nominee in case of an emergency. इसके अंदर जो लो कॉस्ट एंडोमेंट होते हैं इसके अंदर आपको कम प्रीमियम पे करनी पड़ती है और आपकी डेथ के बाद जो आपका नॉमिनी होता है उसे इमरजेंसी के केस में गारंटी दे दी जाती है कि हाँ हम इतना अमाउंट आपके डेथ के बाद उन्हें पे करेंगे, ठीक है। फिर आता है हेल्थ इंश्योरेंस, तो हेल्थ इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवरेज दैट पे फॉर मेडिकल एंड सर्जिकल एक्सपेंस इनकर्ड बाय इंश्योर्ड।
जो पर्सन पॉलिसी होल्डर है अगर उसको कोई मेडिकल या सर्जिकल एक्सपेंस होता है तो उसे कवर करवाने के लिए जो इंश्योरेंस लिया जाता है उसे कहा जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। इज इट वर्क बाय पुलिंग द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंस अमंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल अलाइंग इंडिविजुअल टू पे प्रीमियम इन एक्सचेंज फॉर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड मेडिकल कॉस्ट। ये किस लिए करा जाता है, ताकि कोई अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड मेडिकल कॉस्ट आ जाती है किसी इंडिविजुअल के पास, तो फिर उसे वो कवर कर सके, उसे उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट ना आए, मतलब किसी तरीके का कोई उसे एक तरीके से परेशानी ना हो जब उसे कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उस केस में ये हेल्थ इंश्योरेंस काम करता है। जरूरत क्या होती है, सबसे पहले ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, मतलब कोई भी अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है, हेल्थ से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी का इलाज करवाना है, तो उस टाइम पर ये वर्क करता है। एक्सेस टू हेल्थ केयर, हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योर दैट इंडिविजुअल हैज एक्सेस टू नेसेसरी मेडिकल सर्विस इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव केयर, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट एंड मेडिटेशन। सारी तरीके की हेल्थ केयर इसमें कवर करी जाती है, जो भी आपके कोई डायग्नोस्टिक से रिलेटेड टेस्ट है, ट्रीटमेंट है, कोई मेडिटेशन से रिलेटेड है, कोई प्रिवेंटिव केयर है, सारी इसमें कवर होती है। प्रिवेंटिव केयर तो मैनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कवर प्रिवेंटिव सर्विस सच एज वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग, वेलनेस विजिट, वही सारी चीजें हैं, प्रिवेंटिव केयर को भी कवर करता है। पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि जब इंडिविजुअल को पता है कि हाँ उसे किसी चीज का डर नहीं है, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है तो उसके लिए उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, उसे पता है, तो फिर वो किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेगा, एंग्जाइटी नहीं होगी, और वो पीस ऑफ माइंड मतलब उसका दिमाग शांत रहेगा, वो दूसरी चीजों पर फोकस कर पाएगा। फिर है लीगल रिक्वायरमेंट, तो कई सारी जगहों पर हेल्थ इंश्योरेंस एक लीगल रिक्वायरमेंट होता है, आपको लीगली मतलब कंपल्सरी होता है, मैंडेटरी होता है हेल्थ इंश्योरेंस करवाना। अगर आप कहीं किसी स्पेसिफिक प्लेस पर जॉब करते हैं, किसी चीज में, किसी और चीज में आपको वो मैंडेटरी कर दिया जाता है, तो ये आपके इसकी जरूरत होती है। बेनिफिट क्या होते हैं, कवर करता है ये आपके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस को, सारी वही नॉर्मल लैंग्वेज लिखी है, इसलिए मैं अब इसे जल्दी थोड़ा कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट है आपकी, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा मैं, इसलिए थोड़ा इसे फास्ट पेज में मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट ज्यादा ना पड़े इंडिविजुअल के ऊपर। नेटवर्क ऑफ प्रोवाइडर, क्या ये सभी हॉस्पिटल के साथ जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है कि हम ऐसे ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएंगे, अगर हमारा कोई जो पॉलिसी होल्डर है वो आता है तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसका कंपनसेशन हम करेंगे, ये सारे इनमें पहले से ही होता है। प्रिवेंटिव केयर की सर्विस के लिए होता है। एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड केयर, अगर कोई स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी कवर करता है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है इंडिविजुअल को, ठीक है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्या होता है, तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवरेज दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज और लॉस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसकी उसको कोई लॉस या डैमेज होने से जो कवरेज बचाती है, जो इंश्योरेंस बचाता है, उसे कहा जाता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। इट टिपिकली कवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टी, इसके अंदर हर तरीके की प्रॉपर्टी आ जाती है, आपका होम, बिल्डिंग, कंटेंट, व्हीकल्स और अदर एसेट। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्प इंडिविजुअल एंड बिजनेस रिकवर फाइनेंशियली फ्रॉम अनफोर्सीन इवेंट सच एज फायर, थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंट और पेरिल। किस किस इवेंट की वजह से प्रॉपर्टी को थ्रेट हो सकता है, चोरी का, फायर का, नेचुरल डिजास्टर का, एक्सीडेंट का, तो इन सारी चीजों से जो कवरेज बचाता है उसे कहा जाता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। अब कौन कौन से प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है होम ओनर इंश्योरेंस, मतलब जो घर के मालिक होते हैं उनकी प्रॉपर्टी का जो इंश्योरेंस होता है वो कहलाता है होम ओनर इंश्योरेंस। रेंटर इंश्योरेंस होते हैं, जो हमारे टीनेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी का जो इंश्योरेंस होता है वो कहलाता है रेंटर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस होता है, जो आपकी प्रॉपर्टी को फायर से बचाता है, कि फायर से अगर कोई नुकसान होगा तो कवरेज मिलेगा, क्लेम मिलेगा, तो वो होता है आपका फायर इंश्योरेंस। कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में आ जाता है कि आपका जो बिजनेस है उसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर उसको कोई नुकसान होता है तो उसके लिए जो कवरेज प्रोवाइड करवाता है वो कहलाता है आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस क्या होता है, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को नेचुरल डिजास्टर की वजह से कोई नुकसान होता है तो उसके लिए जो क्लेम प्रोवाइड करवाएगा, कवरेज देगा, वो कहलाता है आपका नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का आता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ऑफर वेरियस लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट विद अफोर्डेबल प्रीमियम एंड अट्रैक्टिव फीचर टू कैटर टू द डाइवर्स नीड ऑफ पॉलिसी होल्डर। ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी एक तरीके का इंश्योरेंस है, जो कि कई सारे प्रोडक्ट इंश्योरेंस के, कई सारे टाइप के इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है एट अफोर्डेबल प्रीमियम और अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ। इट एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल एंड देयर फैमिली इन द इवेंट ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी और रिटायरमेंट। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है इंडिविजुअल्स को, उनकी फैमिली को, डेथ के केस में, डिसेबिलिटी और रिटायरमेंट के केस में। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की, तो अफोर्डेबल प्रीमियम होती है, इसके अंदर जो प्रीमियम होती है वो अफोर्डेबल होती है, मतलब बहुत ज्यादा हाई प्रीमियम नहीं होती है।
सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी टू अंडरस्टैंड इसकी टर्म्स एंड पॉलिसीज होती है। फ्लेक्सिबल कवरेज ऑप्शन होता है, मतलब आप इसे अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, जितने टाइम के लिए आप लेना चाहते हैं, जो जो चीजें कवर करवाना चाहते हैं। हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है, मतलब इसके अंदर जो आपका क्लेम सेटलमेंट होता है वो हाई होता है, एक तरीके से बहुत जल्दी होता है और एक्यूरेट होता है, किसी तरीके की इसमें मिसलीडिंग नहीं होती है। फिर गवर्नमेंट बैकिंग, ये इसको एक तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है इस टाइप के इंश्योरेंस को, ये गवर्नमेंट इंश्योरेंस के अंदर आता है। और बोनस एंड डिविडेंड, जो इसके पॉलिसी होल्डर होते हैं उन्हें बोनस और डिविडेंड भी मिलता है, ठीक है। बेनिफिट क्या क्या होते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, वही सारी चीजें की लमसम अमाउंट में अमाउंट मिल जाती है फैमिली मेंबर को अगर कुछ हो जाता है इवेंट। डेथ का बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है, टैक्स बेनिफिट होता है, जो भी अमाउंट मिलती है उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता है। लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है कि इस जो ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होते हैं इसको सरेंडर करके कोई पर्सन चाहे तो लोन ले सकता है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन होता है, ये सिर्फ इंश्योरेंस ही नहीं होता, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी होती है कि मैच्योरिटी के बाद अगर कोई इवेंट नहीं होता है तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। और रूरल रीच होता है, ये ज्यादातर कहां पर पॉपुलर होता है, रूरल एरियाज के लिए ये ज्यादा सुटेबल होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आकर आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। जितना भी कंटेंट था इस यूनिट में वो सारा आपको कवर करवा दिया है। बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट थी, सबसे बड़ी यूनिट है आपकी ये सब्जेक्ट की, तो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, फिर भी मैंने इसे काफी जल्दी कवर करवाने की कोशिश करी है। होप तो आप सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।